कहते हैं कि सालों के तप के बाद नाम होता है, प्रसिद्ध मिलती है, गुणगान होता है। इन खूबियों को प्रयागराज की बेटी फलक नाज ने सिद्ध कर दिया है। अपनी ख्याति के साथ प्रयागराज का डंका बजाने का काम कर रही हैं। इससे पहले भी प्रयागराज के कई खिलाड़ी धर्म नगरी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखेर चुके हैं, लेकिन महिला शक्ति के डंके की चर्चा चारों ओर हो रही है। अपने मम्मी पापा और घर बैठे हैं, योनू सर और मेरी मम्मी और भाई लोग हैं, अजय मेरे भाई आए हैं, उनको देना चाहेंगे क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। छोटी छोटी बातों को, जो भी छोटी छोटी चीज़ें रही हैं मेरे लाइफ में, स्ट्रगल थी तो उन लोग सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो इन लोगों के सपोर्ट की वजह से मुमकिन है। और जो मेरे सर हैं सबसे ज़्यादा, तो इनको देना चाहूँगी क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और UPCA एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को देना चाहूँगी, और क्योंकि उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और मुझे आगे तक जाने का चांस दिया, मौका दिया, खेलने का मैचेस खेलने का मौका दिया। अच्छा, कभी इस तरह का लम्हा आया कि लगा हो कि नहीं बहुत स्ट्रगल हो रहा है और मेहनत बहुत हो रही है या क्रिकेट से दूर होना चाहिए, कभी इस तरह कोई लम्हा लगा? नहीं, ऐसा कोई लम्हा नहीं आया। जो भी लम्हा आया ऐसा उसको मैंने बस हार्ड वर्क के लिए छोड़ दिया। ठीक है, करेंगे अपन, खेलेंगे। वो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सम्मानित हो रही है प्रयागराज की बेटियों को क्या मैसेज देंगी जो किसी कारणवश उनका टैलेंट है मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जरूर आगे जाएंगे। प्रयागराज कटघर मोहल्ले के पास रहने वाली फलक नाज काटजू इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। उन्होंने अपने कॉलेज में चलने वाली काटजू गर्ल्स क्रिकेट अकादमी से क्रिकेट की बारीकियां सीखी। कोच अजय सिंह ने उनकी प्रतिभा का निखारा, जिसके बलबूते वो आज ICC अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनी है। फलक के कोच ने उनके जोश और जब्बे को कम नहीं होने दिया। देखिए, पॉजिटिविटी और जुनून, मेहनत किया है फलक ने लगातार, लगभग 7 से 8 साल के बीच में उतने घंटे की मेहनत जो करना सबके लिए मुमकिन होता नहीं है, और वो मेहनत मैदान पर रंग लाती है तब जब आप तकनीक और तमाम ऐसी चीज़ों के सहारे जो क्रिकेट में ज़रूरत होती है उसको पा लेते हैं। तो फलक ने वो सारा कुछ करने के लिए काफ़ी समय दिया है मैदान पर, और चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे तकनीकी ज्ञान हो, चाहे वो क्रिकेट के तमाम ऐसे अनछुए फल रहे हों जिसको लेकर के क्रिकेटर की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ सजो करके गुलदस्ते में रखा है जिसकी वजह से आज फलक फलक पर है। कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब जैसे घर वाले हैं सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ऐसा कोई मौका है कि आपने घर वालों को भी मोटिवेट किया? नहीं, मैं आपके सजने से ये कहना चाहूँगा कि फलक के माँ बाप तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने फलक को शायद ही कभी बंधन में रखा हो, उन्होंने तो सदैव क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से अपना सब कुछ जोग रखा था। मैसेज कुछ देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से फलक का सिलेक्शन हुआ है और फलक ने क्रिकेट जिस तरीके से खेली है, मैं तो सभी अपने पूरे देशवासियों में जितनी भी बेटियां होंगी सबको ये कहूँगा कि वो उसी तरीके से मेहनत और लगन के साथ खेलें, धैर्य रखें, और धैर्य के साथ साथ वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ एक कुछ ऐसा मिलता है जो आपको फलक की तरह ही दिखने लगता है। संगम नगरी के मोहम्मद कैफ, ज्योति यादव, आशीष विष्टन जैदी जैसे क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयागराज का नाम रोशन कर चुके हैं। प्रयाग की बेटी के रूप में फलक नाज क्रिकेट की दुनिया में अपने गेंदबाजी के दम पर धमाल मचा रही है।